हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फुल लॉन्ग और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, फुल कर्ली हेयर है, इनका हेयर कट करने वाली हूँ। आप थंबनेल पे आपने देखा ही होगा कि किस टाइप के हेयर हैं, बहुत ही अनबिलीवेबल, मतलब बहुत ही मैनेज नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी उलझ जाते हैं। तो इस टाइप के हेयर्स को आप किस तरीके से कट कर सकते हो, तो सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी इस तरीके के हेयर से परेशान है वो इस टाइप की हेयर कट कर सकते हैं। तो और ये मैंने मेकअप जो किया है रक्षाबंधन स्पेशल के लिए, तो बहुत ही अच्छा सा मेकअप है, इसमें सब कुछ बताया हुआ। और एक मेकअप मैंने और भी अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने फेस पे वाटर मेकअप करने के बाद से पानी से पूरा फेस वॉश कर दिया था। उसके बाद भी मेरा मेकअप पूरा रात, जैसे सुबह 9 बजे मैंने मेकअप किया था और रात में 9 बजे मेकअप रिमूव किया था। अगर मैं मेकअप रिमूव ना करती तो सुबह तक वैसे के वैसे रहने वाली थी। और फिर पानी से वॉश करने के बाद वो मेकअप लुक दिखाया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, वाटरप्रूफ मेकअप का रिक्वेस्ट आया था तो मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज का भी मेकअप का ब्लॉग बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। जैसे आपके पास वाइट काजल नहीं है तो वाइट काजल के लिए, मतलब DIY वाइट काजल कैसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका बताया हुआ है। कॉन्टोरिंग कैसे करना चाहिए सब कुछ बताया हुआ है। और राउंड फेस है तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो सब कुछ आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी ये वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आज की वीडियो है फुल कर्ली हेयर्स की, हेयर कटिंग कैसे करें लॉन्ग और बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले बालों की, फुल ग्रोथ वाले बालों की हेयर कटिंग कैसे करें। तो ये वीडियो आपको देख लीजिएगा पूरा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और बेल आइकन पे प्रेस करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा और कोई भी वीडियो मेरी आप लोगों से मिस नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इनके बालों की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और किस टाइप की ज़्यादा है। पतली कंघी तो इनके बालों में टूट जाती है अगर कंघी की जाए तो। तो चलिए मैं इनको कटिंग सीट लगा लीजिए। अक्सर आप लोग बोलते हैं कि मैम आगे से आप लोग कटिंग सीट क्यों नहीं लगाती हैं, तो मुझे बैक से हेयर कट करने होते हैं इसीलिए मैं आगे से कटिंग सीट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बैक से हेयर गिरेंगे तो बैक में ही कपड़ों में फंस जाएंगे, इसीलिए बैक से ही कटिंग सीट लगाती हूँ। अगर फ्रंट की हेयर कट करने हो तो आपको फ्रंट से कटिंग सीट लगानी चाहिए। ओके, तो मैं इनके कटिंग सीट लगा लिया है और अभी इन्होंने अपने बालों को काफ़ी सुलझाया है, उसके बाद से मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बालों को गीला कर लूँगी। मैंने सोचा था कि ड्राई कट करूँ बट इतने ज़्यादा कर्ली हेयर पे कहीं ड्राई कट अच्छे से हो पाए ना हो पाए, इसलिए मैंने पहले इनको बालों को गीला कर लिया। परफेक्ट वे तो यही है कि जब भी आप कटिंग स्टार्ट करते हो तो बालों को पहले अच्छे से गीला कर लो, उससे आपकी कटिंग परफेक्ट आती है और कटिंग करने में भी आपको काफ़ी आसानी होती है और बाल इधर उधर उड़ के नहीं गिरते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप बालों को गीला कर लीजिए, उसके बाद फिर कटिंग स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं इनके बालों को गीला करके और सुलझाते जा रही हूँ। जब तक आपके इनके बाल अच्छे से गीले ना हो जाए और सुलझ ना जाए तब तक कटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। और हाँ गाइज, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, उस पर मैं ब्लॉगिंग वीडियो डालती हूँ, ब्लॉग की वीडियो, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसको भी मेरा ब्लॉगिंग वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी ब्लॉगिंग की, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। उस चैनल को भी एक बार और नाम सुन लीजिए, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी। प्रीति मत लगाएगा, ओनली प्रीत, PREET, प्रीति लगाने पे कुछ और खुल जाएगा, प्रीत लगाएगा PREET तिवारी, तो आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल दिखेगा। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ उस पर भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इनके बालों को अच्छे से गीला कर लिया है और अच्छे से सुलझ भी गए हैं। देखिए जितना वॉल्यूम उनके बालों में दिख, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है गाइस, बट गीला होने के बाद से कम दिख रहा है। तो नीचे के बाल इनके पूंछ जैसे हो गए हैं तो वो पूरा निकाल देंगे, शॉर्ट करने वाले हैं इनके हेयर को। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और कितना हेयर फ्लोर पर गिरा था सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से लगभग इनके हेयर को कॉम कर चुकी हूँ और गीले भी हो चुके हैं और सुलझ भी चुके हैं। तो अभी कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं, सीजर ले लेती हूँ और उसके बाद से कटिंग बताती हूँ मैं आपको कि इस टाइप के बालों पे आप किस तरीके की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैंची ले ली है और इनकी जितनी लेंथ निकालनी है पहले उतना बालों को कट कर दूँगी। तो यहाँ से इतने बालों को मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ से ऐसे मैंने बालों को ले लिया है, एकदम फिंगर में बालों को ले लेंगे और फिंगर को एकदम स्ट्रेट रखेंगे सीधा मतलब, और यहाँ पे हेयर को कट कर देंगे। तो आप इस तरीके से स्ट्रेट कॉम्ब भी कर सकते हो।
पर स्ट्रेट कट भी कर सकते हो, स्ट्रेट हेयर कट। तो इतने हेयर कट हो गए हैं यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं रख देती हूँ और फिर से अच्छे से बालों को कॉम कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट कट हो चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ पे करना है वी कट। वी बोल लो, डी यू बोल लो, उस टाइप से कट करने वाली हूँ। तो दोनों साइड से पहले पतली पतली लेयर उठाएंगे कट करने के लिए। अच्छे से कॉम करके चेक कर देती हूँ कहीं ऊपर नीचे से छूट तो नहीं गया यार। तो दोनों साइड से पतली पतली लेयर लीजिए, एकदम सेंटर में ले आइए बीच में। और जितनी लेंथ आपको रखनी है, मुझे शोल्डर तक रखनी है इनकी, तो वहाँ से कट कर देंगे बालों को दोनों साइड का गाइडलाइन लेने के लिए। तो आप देख सकते हो हेयर जो कट हुए वो आगे की तरफ चलेगा क्योंकि बहुत शॉर्ट हो गए हैं। तो ये देखिए, ये वाला गाइडलाइन यहाँ दिख रहा है और ये वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो कैसे कट करना है वो देख लीजिए। तो कुछ गाइडलाइन को लेते हुए, जैसे हमारी लेंथ भी मिल चुकी है और गाइडलाइन भी मिल चुका है। ये देखिए इस तरीके से बालों को कॉम कर लिया है और इस तरीके से कट करते हुए निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कट करेंगे सारे हेयर को। देख सकते हो सीजर मैंने कैसे ले जा रही हूँ, एकदम तिरछी सीजर रखनी है और कट करते जाना है वी कट के लिए। और ये देखिए इस साइड का एकदम परफेक्ट वी आ चुका है हमारा। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से कट करेंगे। जो पूंछ जैसी टेल सी हेयर कट होती है वी शेप में, वो वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, वो पूंछ जैसी लगती है। तो मैं एडवाइस दूंगी कि आप कभी भी एकदम पूंछ वाली वी शेप वाली हेयर कट ना कराएं। हल्का सा नीचे से राउंड या फिर स्ट्रेट रखते हैं, उससे आपकी बालों की वॉल्यूम ख़राब नहीं लगेगी और अच्छा सा कट आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कट किया है, देख सकते हो बिल्कुल पूंछ वाली वी शेप मैंने नहीं दिया है यहाँ पे। उस तरीके का वी शेप वाला अच्छा नहीं लगता। या फिर पोनी करोगे या फिर छोटी बनाओगे तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा पतले हेयर लगने लगते हैं। तो इस टाइप से आप वी शेप करो, बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप ये क्लचर लगाएंगी, पोनी बनाएंगी तो भी बाल बहुत अच्छे से लगेंगे। मैं रीचेक करूँगी और जो एक्स्ट्रा लगेगा उस हेयर को कट कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे दिया। तो ये डीप वी भी, डीप यू भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि परफेक्ट टेल वाली पूंछ वाली मैंने भी यहाँ पे वी शेप नहीं दिया है बालों को। इस तरीके से आप चेक कर लो तो परफेक्ट आ रहा है। तो हमको यहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता कि कहीं से ऊपर नीचे है तो आप कट कर सकते थे, नहीं तो छोड़ दो। तो यहाँ से थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने हल्का सा कट दे दिया उधर से। तो इधर का परफेक्ट हो चुका है हमारा। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से आप चेक कर लोगे। तो ये हमारी परफेक्ट है, जो हल्की फुल्की लगे उसको आप चेक कर लोगे और कट कर दोगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो लगभग हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कैसी लग रही है इनकी हेयर कट? प्यारी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस टाइप के हेयर हो तो वो भी कट करवा लें। इस तरीके से हेयर और काफ़ी प्यारे लगते हैं। ओके, तो ये अभी मैं इनको क्लच लगा के दिखा देती हूँ। तो ये आपका परफेक्ट तरीके से वी शेप कटिंग हो चुका है। अभी ये सीट हटा के भी मैं इनके हेयर को दिखाऊंगी। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो पूरा देखते रहिए। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको जो भी एक्स्ट्रा लग रहा उसको कट कर दे रहे हैं। हल्का हल्का सा और कट दे देंगे। अभी इनका सीट हटा के भी आपको इनकी हेयर दिखाएंगे कि कैसी लग रही है। तो ये परफेक्ट हो गई है। अभी मैं इनके बालों को पकड़ के और पोनी क्लचर लगा के भी दिखाती हूँ कैसा लुक आएगा। पहले इन्होंने बोला कि भाभी फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, तो मैं इनके हेयर की फ़ोटो क्लिक करके इनको दे देती हूँ। तो मैंने इनका फ़ोन ले लिया यहाँ पे और इनके फ़ोन में मैं इनका हेयर का फ़ोटो क्लिक करके इनको दे दूँगी। काफ़ी खुश हुई थी कि बहुत अच्छा कट हुआ, बट इनके बाल बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज नहीं रहते हैं। तो और स्ट्रेटिंग से हेयर की मतलब जो अगर परमानेंटली ख्याल ना रखा जाए तो वो झड़ने लग जाते हैं, इसलिए स्ट्रेटनिंग भी नहीं करवाना चाहती हैं बालों की। तो फ़ोटो क्लिक कर लिया मैंने दो तीन इनके बालों की इस तरीके से। और अभी और फिर फ़ोटो क्लिक करी, तो अभी लगभग हो गई है इनके बालों की फ़ोटो क्लिक। मैंने इनका फ़ोन रख दिया साइड में और यहाँ से इस तरीके से देखिए क्लच लगाएंगे तो भी बहुत प्यारे बाल लगेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट हेयर है वो
सेंटर में आ जाएंगे और लगेगा कि लेयर्स कट हुए हैं बहुत सारे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अगर ये पोनी बनाएंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा, देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। ओके, और इस तरीके से अगर ये पोनी बनाती हैं तो भी बहुत प्यारा सा लुक आएगा। ये देखिए सारे लेयर्स दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, देख सकते हैं। और कितने हेयर फ्लोर पे गिरे थे कट होके वो देखिए आप। ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा हेयर इनके कट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग सीट ओपन मतलब निकाल दी है। और ये देखिए इनका फाइनल लुक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, इनका हेयर कट भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो वीडियो और हेयर कट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो अभी ये जा रही हूँ अपने बालों को स्ट्रेट करने। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जिसका भी इस टाइप का हेयर हो तो वो इस तरीके से कट कर सकता है। तो आपने देखा इनका हेयर कैसा था और हेयर कट करने के बाद से कैसा लग रहा था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है, अगर आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जो आपने अब यूट्यूब ऑन करोगे तो अपने नीचे जो दिखाता है होम पेज सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में जाके आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल दिखेगा, वहाँ से आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। और हाँ, मैंने दो प्लेलिस्ट बना रखी है, एक ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए और एक सिलाई करना सीखें। तो आपको जो भी वीडियो चाहिए आप उन दोनों प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और मेरा एक और चैनल है, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप उस पर जाके जरूर देख लीजिएगा मेरी ब्लॉगिंग वीडियोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय।